प्रातः स्मरणीय माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सब के इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को जोरदार राम राम। अपने भविष्य को हम अक्सर देखते हैं पर उसको समझ नहीं पाते हैं। ईश्वर और प्रकृति बड़ी दयालु है, वह बिना बताए कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं करते, लेकिन उन संकेतों को हम समझ नहीं पाते हैं और उन संकेतों में सबसे प्रबल संकेत है स्वप्न। आज बात करेंगे स्वप्न क्यों आते हैं और हमारे द्वारा देखे जाने वाले अनेक स्वप्नों का अर्थ क्या है। मैं लगातार आपको स्वप्न बताता रहता हूं, हजारों किस्म के स्वप्न आते हैं, इसलिए मैं लगातार बताता रहता हूं। कुछ विशिष्ट स्वप्नों को आज भी समझने की कोशिश कीजिए। एक बड़ी खास बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो ग्रह गोचर है, यानी जब यह ग्रह गोचर बदलता है तो उसका असर हमारे स्वप्नों पर भी आता है। तो आज यह भी जानेंगे कि किस स्वप्न का परिणाम क्या होता है और वह हमें कब मिलेगा। अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं, आज हमने ये स्वप्न देखा, ठीक है आपने बताया इस स्वप्न का ये परिणाम होता है, लेकिन हमें मिलेगा कब? आज वह रहस्य भी आपको बताता हूं। व्यक्ति को होने वाली घटनाओं का आभास होता है, ये बैठे बैठे बात करते करते, पढ़ते घूमते और सबसे प्रमुखता सोते सोते ये आभास होता है। ज्योतिष तो हमेशा ही स्वप्न फल में विश्वास करता है, मनोविज्ञान में भी 17वीं शताब्दी पर से इस पर गंभीर काम हो रहा है, चिकित्सा विज्ञान ने भी इस पर काफी काम किया है। स्वप्न का अध्ययन यानी जो साइंस ऑफ ड्रीम्स है, इस शाखा को कहते हैं हम ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी स्टडीज अबाउट ड्रीम्स। ड्रीम्स जितने भी हैं बेहद साइंटिफिक होते हैं। आप मर्कईज, लेटमैन ने बड़े गंभीर शोधों के बाद ये चीज़ें बताई हैं कि जब सोते समय व्यक्ति की ईईजी की गई तो उसमें अवचेतन मस्तिष्क के जैसे ही परिणाम सम्मुख आए, यानी जैसे जागते हुए चेतन मस्तिष्क के होते हैं वैसे ही परिणाम सामने आते हैं। ऐसे ही अनुभव और शोध डॉक्टर एसरनिस्की ने 1953 में किए थे, जिसके परिणाम उस समय के साइंस जर्नल में छपे हुए भी हैं। उन्होंने भी स्वप्न को मस्तिष्क की क्रियाविधि से जोड़ा था। यह बात सच है कि स्वप्न निराधार नहीं होते। इस बात को बताने के पीछे कारण क्या था, मैंने ये तीन विदेशियों के नाम लिए, इसके बताने के पीछे कारण यह था कि हम लोग किसी भी बात से संतुष्ट तब होते हैं जब उसमें 3-4 विदेशियों के नाम जुड़ जाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको 3-4 विदेशियों के नाम जोड़कर बताए, सन के साथ बताए कि किस जर्नल में इन साइंटिस्ट ने स्वप्न को सही प्रमाणित किया था, उनके रिजल्ट बताए थे। अब तो मानेंगे ना कि स्वप्न वास्तव में एक विज्ञान है और स्वप्न देखने के बिल्कुल सही नतीजे निकलते हैं, अब तो मानेंगे। तो जहां कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को या सुप्त अवस्था वाले मस्तिष्क को वैज्ञानिक अपनी भाषा से समझाते हैं, ज्योतिष के हिसाब से यही कार्य चंद्र केतु कराते हैं। बस हमें उसको गहराई से समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें कभी कभी स्वयं ही मालूम नहीं होता कि हमारे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं और हमारे द्वारा देखे जाने वाले सपने सच हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हर स्वप्न संकेत नहीं होता, कुछ खास स्वप्न ही संकेत होते हैं। एक और रुचिकर बात आपको बताता हूं, स्वप्न का सीधा संबंध हमारे नाड़ियों से है। यही नाड़ी हमारे शरीर की वात, पित्त और कफ प्रकृति से सपनों का ट्रेंड पता चल सकता है और सपनों के ट्रेंड से हम ये जान सकते हैं कि हमारी कौन सी नाड़ी कुपित है और भविष्य में कौन से रोग दे सकती है। एक महत्वपूर्ण स्वप्न जिसके बारे में मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, अपने इष्ट के दर्शन करना बड़ा अच्छा होता है, बड़ा रेयर होता है। हम ऐसे कल्पना करके सो जाए, ऐसे मुकुट पहने, ऐसे बंसरी लिए, ऐसे धनुष बाण लिए आदि आदि, वो दिख जाए कभी कभार तो एक अलग बात है, लेकिन नियमित रूप से इष्ट को महसूस करना ये तो कोई साधक ही बता सकता है, क्योंकि सामान्यतः हम जैसे भगवान की कल्पना करते हो वैसे नहीं मिलते। खैर, लेकिन जब भी आपको इष्ट दिखें, जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना है ये तय है, और ये परिवर्तन सकारात्मक होगा यह भी तय है। और यदि आपके इष्ट कभी आपको स्वप्न में कुछ कहें, ये नहीं ये काम करो या ये काम करो, ऐसा कुछ हो तो कर डालीजिएगा। सपने में गुरु का दर्शन करना, जिसको वास्तव में आप गुरु मानते हैं, सपने में उनका दर्शन करना बड़ा शुभ होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपका गुरु बनना होता है,
आप उसे प्यार बहुत कर रहे हैं लेकिन अभी गुरु धारण नहीं किया मानसिक रूप से, ये तो मानसिक प्रेम है, वह आपको बार बार सपने में है, इसका मतलब यही है कि अब वही आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। स्वामी जी के साथ, हमारे स्वामी जी स्वामी विवेकानंद जी के साथ ऐसा होता था। इसका अर्थ यह है, यदि गुरु आपके स्वप्न में आए हैं, कुछ भी कह रहे हैं, क्या हो रहा है वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन आए हैं, इसी का अर्थ यह है किसी बड़ी मुसीबत से बच गए हैं या बच जाएंगे, या जीवन का एक नया पथ आपको मिलेगा, वो भौतिक भी हो सकता है आध्यात्मिक भी हो सकता है, लेकिन होगा और वह सफल भी करेगा आपको, वह पथ आपको सफल करेगा, यानी आप के लिए अच्छा समय आने वाला है। सपने में माँ का दिखना बड़ा अच्छा होता है, माँ बोली है नहीं बोली वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन सपने में माँ दिखी जाए बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भारी मुसीबत से आप निकल जाएंगे। स्वप्न में पिता का दिखना बड़ा विशेष होता है, अगर स्वप्न में पिता संकट में है तो आपकी प्रतिष्ठा पर आपके धन पर बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन यदि पिता वर मुद्रा में है तो वह संकट टलने वाला है, या पिता प्रसन्न है तो वह संकट टलने वाला है, पिता गुस्से में है तो वह संकट आएगा। आपको स्वप्न में दिख रहा है कि आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय लड़ गए, या खाने का कोई बर्तन टूट गया, या बहुत सारे बर्तनों के गिरने की आवाज आई, यह अच्छी निशानी नहीं है, यह मंगल कार्यों में खलल पड़ने की निशानी है। हम स्वप्न की बात कर रहे हैं और मैं बार बार कह रहा हूं उस पर विश्वास कीजिए। अपनी मृत्यु देखना यह बहुत अच्छी निशानी है, लोग डर जाते हैं। अच्छा, मृत्यु से हम डरते क्यों हैं? इस सच को स्वीकार लीजिए, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। अपनी मृत्यु देखने का अर्थ है कि अब जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। 3-4 बार ये सपना देखें तो आध्यात्मिक कार्य करना प्रारंभ कर दें, यानी सेवा। सबसे बड़ा अध्यात्म क्या है? उत्तम विचार, अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार और सेवा, ये सबसे बड़ा अध्यात्म है। यह करना प्रारंभ कर दीजिएगा, ये परिवर्तन होगा, सुखद भी होगा। इस परिवर्तन का एक विशेष अर्थ यह भी होता है कि यह परिवर्तन थोड़ा सा आपको भौतिकता से दूर जरूर करता है, ऐसा नहीं कि सब सन्यासी हो जाएंगे, लेकिन दूर करता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इसे अच्छा नहीं मानते। कुछ और स्वप्न मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, एक चीज बताते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं उन लोगों को कुछ विशिष्ट स्वप्न आते हैं। सामान्य आदमी को भगवान थोड़ी कुछ बताते हैं, लेकिन जो आज सामान्य है लेकिन कल कुछ बहुत विशेष करना चाहता है, जिसकी जिंदगी का एक उद्देश्य है, कुछ पाना चाहता है और वह पाना भी ईश्वर के कार्यों के लिए चाहता है, तो भगवान उसको कुछ विशेष स्वप्न दिखाते हैं। जितने भी महान लोग हुए उनके स्वप्न भी बड़े विशिष्ट थे। अक्सर ऊपर से गिरने के स्वप्न आते हैं, यह दुर्भाग्य सूचक है। इसका अर्थ है कि संकट आने वाला है, यह संकट धन और मान की हानि कराएगा। यह साथ ही साथ इस बात का भी सूचक है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अलर्ट हो जाइएगा, अपने रास्ते पर चिपक के चलना शुरू कर दीजिएगा, बदलने की सोचिएगा भी नहीं। तो यह सावधानी हमें समस्या से बचा सकती है। साथ ही साथ इस स्वप्न को देखने के कुछ समय के बाद कफ की या दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। देखिए, यह हो रहा है तो यह जरूर होगा, 99.99% नहीं होता, यह विज्ञान 100% होता है। हमें स्वप्न में कभी कभी मृत व्यक्ति दिखाई देने लगते हैं। मेरा विचार है यह अच्छा है, क्योंकि वह हमें अनिष्ट से बचने के संकेत देख रहे हैं, वह हमें बता रहे हैं कि कहीं कुछ गलत कार्य हम कर रहे हैं, हम उससे बच जाएं। वह यह भी बता रहे हैं कि घर में किसी का स्वास्थ्य खराब होने वाला है, अतः आप मानसिक और आर्थिक रूप से सतर्क रहिए। यदि स्वप्न में हमें लाश दिखने लगे तो समझिए कि जो हम मेहनत कर रहे हैं निरर्थक हो सकती है, जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं निरर्थक जा सकता है, इसलिए रुक जाइए। ऐसे में चंद्रमा के बल दिखा लीजिए अपनी कुंडली में, अपनी कुंडली के भाग्य के मालिक ग्रह के बल दिखा लीजिए और तुरंत उपाय करिए, उसके बच जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
या बहुत थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, कान पे से समस्या उतर जाएगी। बस एक और स्वप्न, कोई महिला बार बार ये स्वप्न देखे कि उसे बच्चे दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, तो आश्वस्त हो जाए कि परिवार में नए फरिश्ते का आगमन होने वाला है, उसकी गोद में बच्चा बच्चे आने वाला है। कभी कभी हमें स्वप्न में बहुत सारी नदियां, तालाब, दलदल आदि दिखाई देते हैं। इसका अर्थ है सफलता और ठंड से या कफ से होने वाले रोग। इसलिए जब भी ये दिखें तो स्वयं को ठंड से बचाना शुरू कर दीजिएगा। यदि कोई लड़का लड़की परस्पर प्रेम बंधन में जकड़े हुए हैं, स्वप्न में नहीं रियलिटी में, तथा यदि उनमें कोई एक दूसरे को उपहार में चांदी देता है ये स्वप्न में, तो ये रिश्ते में दरार का सूचक है। सोने के उपहार देना रिश्ते में तनाव का सूचक है, तथा लोहा देना रिश्ते के स्थायी हो जाने का संकेत है। वैसे हम क्या समझते हैं, सोना मिलेगा तो बहुत बढ़िया, स्वप्न में सोना यानी वास्तव में भी सोना, लेकिन वास्तव में खोटा है। सपने में विवाह बहुत देखते हैं लोग, जिनका नहीं हुआ है वो तो देखते ही होंगे, जिनका हो गया है वह भी देखते हैं। लड़की की माता, लड़के की माता, ये तो खूब ही देखते हैं विवाह होते हुए। लेकिन यदि आपको स्वप्न में विवाह होते हुए अनेक बार दिखे तो ये शुभ संकेत नहीं है। घर में विवाह आदि बार बार दिखे तो उपाय कीजिएगा, 5 रविवार गायत्री मंत्र का पाठ या फिर 5 मंगलवार सुंदरकांड का पाठ अवश्य कर लें। और अब आज का गुरु मंत्र। स्वप्न में पहर का बहुत महत्व होता है और तिथियों का भी बहुत महत्व, यानी कौन सा स्वप्न आपने किस तिथि और किस पहर में देखा, इससे उसके परिणाम निश्चित होते हैं। जैसे रात के प्रथम पहर में देखा गया स्वप्न 1 वर्ष में फल देता है, दूसरे पहर में देखा गया सपना 6 महीने में, और तीसरे प्रहर में देखा गया सपना 3 माह में, और चौथे प्रहर में देखा गया सपना 1 माह में, तथा सूर्योदय से थोड़ा सा पहले देखा गया स्वप्न कुछ दिनों के अंदर ही फल देने का संकेत है या फल पाने का संकेत है। और सुनिए, शुक्ल पक्ष में देखे गए स्वप्न अधिक सार्थक होते हैं। शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के स्वप्न बहुत सार्थक सिद्ध होते हैं, अच्छे हों या बुरे जो भी हो, लेकिन होंगे। अमावस्या से 5 दिन पहले तथा 5 दिन बाद तक के स्वप्न बड़े सार्थक होते हैं, परंतु चतुर्थी और सप्तमी में देखे गए सपने सार्थक नहीं होते। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।